हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट अकेडमी। सो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एक आर्टिस्ट के लिए जैसे एक पेंसिल इंपॉर्टेंट टूल होता है, वैसे ही इंपॉर्टेंट टूल उसके लिए इरेजर भी होता है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप्स के इरेजर और उनका यूज देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पे 6 डिफरेंट टाइप्स के इरेजर है। ये नीडेड इरेजर है, ये नॉर्मल इरेजर है, ये इरेजर पेंसिल्स हैं, ये इलेक्ट्रिकल इरेजर है और ये उसकी रिफिल है, ये टॉम्बो इरेजर है, ये उसकी रिफिल है, और ये मैकेनिकल इरेजर है, ये उसकी रिफिल है। बेसिकली नीडेड इरेजर की ये स्पेशल क्वालिटी होती है, आप उसे किसी भी शेप में मोल्ड करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये अराउंड 30-40 रुपीज़ के आपको मिल जाएगी किसी भी ब्रांड की। देन ये तो नॉर्मल इरेजर है, मेरे पास स्टेडलर ब्रांड की है, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, अप्सरा की भी। देन ये इरेजर पेंसिल्स हैं कोहिनूर की, ये अराउंड 300 रुपीज़ की आपको 3 मिल जाएंगी। ये इलेक्ट्रिकल इरेजर है, ये बैटरी ऑपरेटेड है और ये इसकी रिफिल्स हैं। ये आपको सभी इरेजर्स के साथ ये रिफिल मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल इरेजर के साथ, और इसमें सेल पड़ते हैं। ये अराउंड 450 रुपीज़ की आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन। ये टॉम्बो इरेजर है, ये मोस्ट पॉपुलर इरेजर है आर्टिस्ट में, हाईलाइटिंग के लिए काफ़ी यूज़ होती है। तो ये देख सकते हैं आप, टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर, ये 400 रुपीज़ के अराउंड आती है और ये इसकी रिफिल है, ये 40 या 50 रुपीज़ के आपको मिल जाएंगी। दो रिफिल आती है एक पैच में, लेकिन हाँ, ये काफ़ी यूज़ होती है और काफ़ी टाइम तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वेस्ट ऑफ मनी है, ये वर्थ ऑफ मनी है। एंड देन ये मैकेनिकल इरेजर, ये तो नॉर्मल मैकेनिकल इरेजर है अप्सरा ब्रांड, ये आपको 20 रुपीज़ की मिल जाएगी। अब इसे भी हाइलाइटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने स्टार्टिंग स्केचेस या फिर प्रैक्टिस के लिए, ये इसकी रिफिल है। तो चलिए इन इरेजर्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट कलर्स पे और पेंसिल्स पे। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे देखी कुछ डिफरेंट पेंसिल्स शेड कर लिए हैं। ये 8B ग्रेफाइट पेंसिल है, ये ब्लैक पेंसिल है, चारकोल पेंसिल है, ये पेंसिल कलर है। यहाँ मैंने इरेजर्स के नेम भी मेंशन कर दिए, नीडेड इरेजर, नॉर्मल इरेजर, पेंसिल इरेजर, इलेक्ट्रिक इरेजर, कॉम्बो एंड मैकेनिक। चलिए अब सबसे इरेज करके देखते हैं कौन कैसा किस मीडियम पे परफॉर्म करते हैं। बेसिकली नीडेड इरेजर तो हम लोग लार्ज एरिया इरेज करने के लिए यूज करते हैं, तो इससे हम कोई हाईलाइट नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसने 8B पेंसिल और चारकोल को तो लगभग इरेज कर दिया है थोड़ा बहुत, बट ब्लैक पेंसिल से इससे इरेज नहीं हुई है, ना ही कलर पेंसिल पे कोई असर पड़ा है। चलिए नॉर्मल इरेजर से देखते हैं। नॉर्मल इरेजर से देखिए हल्का हल्का सा इरेज हुआ है, 8B पेंसिल भी, ब्लैक पेंसिल, लेकिन चारकोल पेंसिल काफ़ी इरेज हो गई और पेंसिल कलर भी हल्का सा लाइट हुआ है, वो पूरा इरेज नहीं हुआ। वो पेंसिल इरेजर से इरेज करके देखते हैं, ये बेसिकली हाईलाइटिंग पर्पज के लिए होती है, तो हम लोग उसको वैसे ही इरेज करेंगे। तो देख सकते हैं हाईलाइट कितने ईजी ड्रॉ हो रही है ब्लैक पेंसिल पे, चारकोल पेंसिल पे। देन पेंसिल कलर तो इरेज नहीं हो रहा सही से। बेसिकली ये लाइट हाइलाइटिंग्स के लिए यूज होती है, तो आप देख सकते हैं 8B में कैसे इरेज हुआ है, देन ब्लैक पेंसिल में, चारकोल पेंसिल। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इरेजर से इरेज करते हुए, ये भी हाइलाइटिंग के लिए यूज होती है। देख रहे कितनी ईजली इरेज कर रहे हैं। ब्लैक पेंसिल को भी, चारकोल को भी, देन पेंसिल कलर को भी,
तो ये काफ़ी अच्छा टूल है हाईलाइटिंग के लिए, आप इससे किसी भी मीडियम को हाईलाइट कर सकते हैं इजीली। बट हाँ, बैटरी इरेजर आपको यूज़ करने के लिए थोड़ा आपको हैंड स्टेबल रखना होगा, बट अदरवाइज आप अपनी ड्राइंग भी ख़राब कर सकते हैं। नाउ टू टॉम्बो मोनो इरेजर से इरेज करके देखते हैं। आप देख सकते हैं 8B पेंसिल काफ़ी इजीली इरेज हो रही है। ब्लैक पेंसिल भी, चारकोल तो काफी अच्छे से इरेज हो रहा है, काफी अच्छी हाइलाइट्स आ रही है इसमें। देन पेंसिल कलर, पेंसिल कलर इससे हल्का सा इरेज हो जाता है। टॉम्बो इरेजर और इलेक्ट्रिकल इरेजर तो आप काफ़ी यूज कर सकते हैं। चलिए मैकेनिकल इरेजर देखते हैं। जैसे कि आपने देखा मैकेनिकल इरेजर से भी 8B पेंसिल और ब्लैक पेंसिल और चारकोल पेंसिल सब इरेज हो गए, बट आप देख सकते हैं इसमें हाईलाइट जो है काफ़ी शार्प है इलेक्ट्रिकल इरेजर में और टॉम्बो इरेजर। तो मैकेनिकल इरेजर में आप इन्हें शार्प करके यूज़ कर सकते हैं, बट स्टिल अगर आपको डार्क मतलब हाईलाइट्स काफ़ी शार्प चाहिए तो आप टॉम्बो इरेजर ही यूज़ करें, या फिर इलेक्ट्रिकल इरेजर भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप उसे हैंडल कर पाए। तो ये था बेसिकली सभी 6 इरेजर्स का यूज़। तो फ्रेंड्स, होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मैं सभी इरेजर्स के बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड अब बात करते हैं स्पेशल अनाउंसमेंट की जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कही थी। मैंने डिसाइड किया है जैसे ही हम लोग 1K सब्सक्राइबर हिट करेंगे तो एक स्पेशल वीडियो आएगा आप लोगों को डेडिकेटेड, उसमें भी कुछ स्पेशल सब्सक्राइबर्स को कुछ सरप्राइजेस मिलेंगे। जितना हो सके चैनल को सपोर्ट करिए। अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कीप ड्राइंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।